एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक अभी चल रहा है मोशन का। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक, डायनेमिक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो चलिए उसके आगे से हम थोड़ा देखते हैं। जैसा कि पिछले में आपने क्या देखा था, एक क्या होता है डिस्टेंस मतलब दूरी, और एक क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। उसी तरह जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पीड। और जब डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो उससे कम होगी या तो उसके बराबर होगी। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। स्पीड आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती या निगेटिव नहीं हो सकती। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव। जबकि जो वेलोसिटी है आपकी, ये जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मोशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु टाइम के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है तो क्या होती है, वो मोशन में। तो अब मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, समान गति, समान गति, और ये होता है असमान गति। ठीक है, तो होता क्या है समान गति और असमान गति। सपोज करो कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपने पहले 10 किलोमीटर में एक किलोमीटर सॉरी पहले 10 मिनट में एक किलोमीटर साइकिल चलाया, फिर उसके बाद अगले 10 मिनट में फिर से एक किलोमीटर, फिर से 10 किलोमीटर में एक किलोमीटर, इसी तरीके से आप हर 10 मिनट में एक किलोमीटर साइकिल चला रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में। जब आप पहले 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर चलाओ, फिर अगले 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर चलाओ, अगले 10 किलोमीटर में आप 1.25 किलोमीटर चलाओ, अगले 10 किलोमीटर में 3 किलोमीटर चलाओ, तो ये क्या हो रहा है, हर 10 मिनट में जो आपकी स्पीड है वो बदल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असमान गति। दोनों में क्या होता है, आप ले लो, ये देखो हमारे पास हो गया एक लाइन, इसको हम कई सारे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3 और 4 इक्वल मान लो इसको। ये हो गया 10 मिनट का एक इंटरवल, दूसरा हुआ 10 मिनट का, ये भी 10 मिनट का और ये भी 10 मिनट का। यहाँ पे आपने एक किलोमीटर चलाया, यहाँ पर भी एक किलोमीटर, यहाँ भी एक किलोमीटर, यहाँ भी एक किलोमीटर। तो आप ध्यान दो कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है, और हर टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये क्या हुआ आपका, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या क्या होता है, इक्वल इंटर टाइम इंटरवल, समान समयांतराल, और क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। प्रत्येक समयांतराल में आपने समान दूरी तय की है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक ये हुआ, इसे मान लो आप 10 मिनट, ये क्या हुआ 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे आपने सपोज करो 1.2 किलोमीटर, यहाँ पे 1.8 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर। अब क्या हुआ, अब आप इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड डिफरेंस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, लेकिन हर इक्वल टाइम इंटरवल पे आपने डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। यहाँ भी क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल और क्या होगा, डिफरेंट डिस्टेंस। ये क्या हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। दोनों में कॉमन क्या है, जो टाइम इंटरवल होगा वो इक्वल होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्या किया कि इसको क्या किया आपने 5 मिनट कर दिया और 5 मिनट में क्या कर दिया 500 मीटर, तो ये आपका नहीं आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि आप यहाँ पे क्या करो, इंटरवल आपने कम कर दिया, डिस्टेंस भी कम कर दिया, बिल्कुल नहीं। इंटरवल इक्वल होना चाहिए, टाइम इंटरवल आपका इक्वल होगा और डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप जब इक्वल स्पीड से जा रहे हो, जब आपकी गति बिल्कुल स्थिर है तो क्या हो रहा है, समान समयांतराल में आप समान दूरी तय कर रहे हो। लेकिन जब किस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव या बाहरी बल लगा दिया जाए तो क्या होगा। सपोज करो कि आप साइकिल चला रहे हो, कोई आपका फ्रेंड आता है पीछे से बाइक से, वो अपने पैर से आपकी बाइसिकल को धक्का देते हुए बढ़ा देता है, तेजी से आप जा रहे हो। अब क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, स्पीड आपकी बढ़ गई, या सामने से तेज हवा चलने लगे तो वो आपकी स्पीड का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, तो अब क्या हुआ, आपकी गति धीरे होने लगेगी। तो अब आप किस पे आ जाओगे, असमान गति पे। मतलब समान गति से चलने के लिए बाह्य बल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाएगा तो क्या होगा, उसकी गति में या तो कमी आएगी या तो बढ़ जाएगी, तो वो किस पर किस स्थिति में आ जाएगी, असमान गति में, ठीक है। समान गति में चलने के लिए आवश्यक है कि उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाए, क्लियर। अब हम आते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण, ठीक है, त्वरण। चलो इसके पे हम थोड़ा बात करते हैं, उसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। आप लोग जो बाइक चलाते हो, बाइक में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है जो बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी दूर गई, और एक क्या होता है, डायल होता है, कांटा, जो बताता है किस गति से गाड़ी चल रही है। दो होती हैं, एक क्या होता है, स्पीडोमीटर, और एक क्या होता है, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीडोमीटर कभी आपकी गाड़ी 60 पे दिखाएगा कांटा, कभी 50 पे दिखाएगा। अभी आपने गति बढ़ा दी, एक्सीलरेट कर दिया, तो किस पे पहुंच जाएगी, 80 पे। फिर अगले ही पल आपने क्या किया, एक्सीलरेशन को कम कर दिया, तो आ जाएगी 40 पे, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, ये हर क्षण बदलता रहता है। क्या होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर पे जो इंडिकेटर होता है वो हर क्षण बदलता रहता है। तो ये क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब क्षणिक गति, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड,
ठीक है, ये दिखाता है क्षणिक गति। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? क्षणिक गति, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी। ओडोमीटर क्या बताता है? ओडोमीटर बताता है कि आपने कितनी दूरी ट्रेवल की। लेकिन ओडोमीटर का काम क्या है? देखो, ये होता है आपकी गाड़ी का जो पहिया होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और इसकी जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस वो क्या होती है? 2πr। r क्या होगा? रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये कैसे मापता है? एक बार ये चक्कर लगा लिया, मतलब 2πr दूरी तय कर लिया, दूसरा चक्कर में फिर से एक बार 2πr हो गया। तो ये क्या होता है? सर्कुलर मोशन पे पहिए के घूमने से कैलकुलेट करता है कि गाड़ी कितनी दूर चली है। तो जहाँ कहीं भी पहिए के घूमने से दूरी मापी जाती है उसकी घूर्णन से, तो वहाँ पे क्या होता है? ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। अब आते हैं हम एक्सीलरेशन पे, त्वरण पे। त्वरण क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट किसी एक गति से चल रहा है, कांस्टेंट पे चला जा रहा है चुपचाप, ठीक है। आपने क्या किया? आपने उस पर कोई बाह्य बल लगाया, तो उस टाइम पे उसकी गति बढ़ गई। तो वो जो गति बढ़ती है, पहले क्या थी और अब क्या हो गई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है समय के अनुपात में, वो क्या होता है? त्वरण होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेलोसिटी को किससे डिफाइन किया जाता है? वी से, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी को दिखाया जाता है यू से। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल कांस्टेंट है, कहीं पे नहीं है, शुरुआत में क्या है? जीरो पे है, रुका हुआ है, और उसके बाद उसकी गति को बढ़ाया जाता है, तो वहां पे यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, ये हो जाएगा वी अपॉन टी। टी क्या हो गया? टाइम की यूनिट, मतलब समय के अनुपात में ये कितना बढ़ा। और जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल मूव में है, कुछ गति से चल रहा है, और उसकी गति को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या आएगा? ये है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी। जब आप फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ही मिलेगी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन को हम किस में मापेंगे? मीटर में। दूरी है तो मीटर में मापेंगे, तो उसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। और इसके यहाँ पे भी एक टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एस माइनस टू हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया, किसका? एक्सीलरेशन का। एक चीज़ और ध्यान दो, एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी? यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश होता है। तो एक्सीलरेशन कैसा हो सकता है? क्या निगेटिव में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या जीरो हो सकता है? हो सकता है। क्यों? अगर आपकी बाइक कांस्टेंट स्पीड 60 की स्पीड पे चली जा रही है, तो क्या है, आपने उसको कोई एक्सीलरेट नहीं किया, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
जब आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे स्पीड, अभी 60 की थी, अगले पल 70 हुई, फिर 80 हुई, फिर 90 हुई, तो आप क्या कर रहे हो, उसको कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हो स्पीड को, तो अब वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पहले 60 थी, अब आप उसको धीरे कर रहे हो, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हो स्पीड को, 50 करोगे, 40 करोगे, 30 करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव में, मतलब आपका एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है एक्सीलरेशन। क्लियर? निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, जो निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, मंदन। मंदन इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब आपकी गति जब धीरे धीरे कम हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर निगेटिव एक्सीलरेशन को हम डीएक्सीलरेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, मंदन, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक बार हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सपोज करो कि हमने आपको क्या बताया था, एक पॉइंट ऑफ रिफरेंस यानी मूल बिंदु, जहाँ से हम नापते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, उसकी क्या स्थिति है, उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ रिफरेंस या सापेक्षिक बिंदु या संदर्भ बिंदु, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या बना, ग्राफ बना एक। यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को। आपका कोई ऑब्जेक्ट रिफरेंस पॉइंट, यहां पे रिफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिफरेंस पॉइंट से कुछ दूरी पर स्थित है, सपोज करो यहां पे है, पहले सेकंड भी कहां पे था, यहीं पे था, दूसरे सेकंड भी यहां पे, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो आपका ग्राफ कैसा जाएगा, फ्लैट ग्राफ। अभी भी ये यहीं पे था, अभी भी यहीं है, और समय बीतने के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जहाँ पे पहले था वहीं पे ये अभी भी है। मतलब जब कोई आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है उसका, तो क्या होगा, वो टाइम के साथ वहीं पे रहेगा। अगर आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, फ्लैट, एक सीधी रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल आपकी एक फ्लैट लाइन बनेगी। ठीक है, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट शुरू में कहाँ पे था, यहाँ पे कुछ दूरी पर स्थित है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कहीं और उसकी स्थिति है, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम के साथ ये चल रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक्सीलरेशन इसका जीरो है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, पहले सेकंड कहीं पे गया, दूसरे सेकंड कहीं और गया, तीसरे सेकंड, स्पीड इसकी नहीं बढ़ रही, तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका ग्राफ बनेगा। ये कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन इसका जीरो है, जीरो एक्सीलरेशन पे ये ग्राफ बनेगा। अब आप ये बताओ
कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट पे ही है, मूल बिंदु पे ही है, और वहीं से वो क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है कांस्टेंट स्पीड पे, जीरो एक्सीलरेशन पे, तो क्या होगा ये ग्राफ, यहां से बनेगा। यहां पे था पहले सेकंड, यहां गया दूसरे सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, तो ये देखो ऐसा बनता जाएगा। फिर तीसरे सेकंड यहां से यहां पे पहुंच गया, इतनी दूरी तय किया। फिर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये है, तो दूरी ये तय करेगा, समय इधर बढ़ रहा है, तो ये कैसा बनेगा, जब वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे बना रखा था और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। लेकिन तीसरा ग्राफ सपोज करो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर से पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कुछ दूरी पर स्थित है, या पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अलावा उसकी कोई स्थिति है, लेकिन क्या होता है, एक्सीलरेट हो रहा है। जैसे आपकी बाइक खड़ी है, आप चलाना शुरू करते हो, तो उसको पहले क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, जीरो से लेके आप उसे बढ़ाना शुरू कर देते हो, तो स्पीड उसकी बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही, इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव में हो रहा है। तो कैसा बनेगा ये, एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक, पहले था फिर एक सेकंड में यहां पे गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, दूसरे सेकंड यहां, तीसरे सेकंड यहां, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट जब आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे हो, मूल बिंदु पे ही रखा हो, और यहीं से एक्सीलरेट होना शुरू कर दे, तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, पैराबोला, ठीक है। मतलब ये पैराबोलिक कब बनेगा, जब ये एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड नहीं, एक्सीलरेट हो रहा है, स्पीड इसकी बढ़ रही है, और जब ये ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब निगेटिव, जब आप उस पर ब्रेक लगाओगे बाइक पे, तो क्या होगा, उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब धीरे धीरे गति कम होगी, मतलब आपका क्या है, एक्सीलरेशन निगेटिव में है, रिटार्ड हो रहा है, मंदन की स्थिति में है, कैसा बनेगा इसका ग्राफ, ये ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अब आप सोचोगे कि यहां पे रखा हो तो क्या एक्सीलरेशन निगेटिव में जा सकता है, जा तो सकता है, लेकिन नीचे आएगा कैसे वो टाइम के रिफरेंस में, ठीक है। अब सपोज करो कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपने सडन ब्रेक लगाया, मतलब जहां पे था वहीं पे वो रुक गया, तो कैसा बनेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, आपका स्पीड क्या हो गई, जीरो, तो डायरेक्ट ये सडन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब अगर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अगर एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो एक पैराबोलिक बन जाएगा, ठीक है। तो यह होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, अब हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो देखते हैं इसको भी, ये आपका क्या हो गया, टाइम की एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस पे हम किसको शो करते हैं, टाइम को, वाई एक्सिस पे हम किसको शो करेंगे, वेलोसिटी को, और ये क्या हो गया आपका, जीरो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आप मान सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब
वेलोसिटी उसकी बढ़ाई नहीं जा रही है, एक्सीलरेट नहीं किया जा रहा, जिस वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी पे यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कहाँ पे होगा? कुछ दूर पर स्थित है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। टाइम के साथ क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। टाइम के साथ वो क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अब जब उसकी हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो एक फ्लैट लाइन बनेगी टाइम के पैरेलल, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेट करेंगे, क्या करेंगे? एक्सीलरेशन मतलब आप ये समझ लो कि 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से हम इसे बढ़ा रहे हैं, हर एक सेकंड में हम 5 मीटर की गति बढ़ा दे रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा? अगर ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कुछ दूर पे स्थित था, यहाँ पे था, तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ऊपर, मतलब पहले सेकंड में कहाँ पे? यहाँ पे बनेगा। 0 सेकंड में यहाँ पे था, 0 टाइम इंटरवल पर आपने टाइम बढ़ाया तो यहाँ पहुँच गया, फिर आपने टाइम बढ़ाया तो यहाँ पहुँच गया। तो ये जो ग्राफ आपका बनता जाएगा स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। स्ट्रेट ऊपर क्यों जा रहा है? ये कांस्टेंट दिखा रहा है, मतलब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आपकी जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड या पर टाइम इंटरवल एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। अगर वो पहले मिनट में 1 किलोमीटर गया, फिर दूसरे में 2 किलोमीटर, फिर तीसरे में 3 किलोमीटर, एक एक में, मतलब क्या हुआ? देखो, समझ लो ऐसे, ये समझ लो आप हो गए 3 टाइम इंटरवल, ये फर्स्ट मिनट हुआ, ये सेकंड मिनट हुआ, ये थर्ड मिनट हुआ, इसमें चला 1 किलोमीटर, इसमें चला 2 किलोमीटर, इसमें चला 3 किलोमीटर, तो टोटल 3 मिनट में कितना गया? ये पहला मिनट, ये दूसरा मिनट, ये तीसरा मिनट, ये भी 1 मिनट का है और ये भी 1 मिनट का है, तो कुल 3 मिनट में ये कितना चला? 6 किलोमीटर। मतलब पहले मिनट में सिर्फ 1 किलोमीटर गया, परंतु दूसरे इंटरवल में इसने 2 मिनट की दूरी तय की, तीसरे इंटरवल में इसने 3 मिनट की दूरी तय की, यहाँ पे देखो फिर से आप 1 मिनट का बढ़ा दो, यहाँ पे 4 किलोमीटर, मतलब ये एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बढ़ रही है। तो ये क्या बना? एक स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है, और ऑब्जेक्ट आपका कुछ दूरी पे स्थित था। जब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस या इनिशियल पॉइंट पे स्थित है और वहीं से वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे चला जाएगा। पहले सेकंड में यहाँ पे इतना ये वेलोसिटी बढ़ी, फिर ये वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी बढ़ी, मतलब पहले में कितना गया, दूसरे में कितना गया, यहाँ पे ये बढ़ रहा है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, ये वेलोसिटी का है लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपका जो ये ग्राफ है ये डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप सपोज करो कि अब जब हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट नहीं रखते, अब हम एक्सीलरेशन को भी बढ़ा रहे हैं, जब हम एक्सीलरेशन को बढ़ाएंगे तो वो कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। हमने पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया, फिर अगले में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर एक्सीलरेशन को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर स्थित है इनिशियल पॉइंट से, तो कैसे बनेगा? ये पैराबोला, पैरिबोलिक बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट मूल बिंदु पर स्थित होगा, यहीं पर स्थित होगा, तो यहीं से ये बन जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो ये ग्राफ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखा था और अभी ये क्या है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ओके। आई होप कि ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ओके। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपको डिटेल में एक एक पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा होती रहेगी।
जितना कुछ आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी बेस्ड, उतना सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आवश्यकता इस चीज़ की है कि आप ध्यान से सुने और रेगुलर यहाँ पे बने रहें। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।